हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम ऐसी दो बड़े ही मज़ेदार रेसिपीज बनाएंगे जो बनाने में बहुत ही ईजी है और इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। जी हाँ, मैं आलू पकौड़ा और प्याज पकौड़ा की बात कर रहा हूँ जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं और स्पेशली मानसून सीजन में इसे खाने का अलग ही मज़ा है। तो चलिए देखते हैं आलू पकौड़ा और ओनियन पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं आलू पकौड़ा और ओनियन पकौड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दो बड़ी साइज के ओनियंस जिसे हम ऐसे स्लाइस कर लेंगे। दो पोटैटोस, इसे भी हम स्लाइस कर लेंगे। याद रखें कि हमें पोटैटोस को बॉयल नहीं करना है, इसे हम बस धो लेंगे और उसकी स्किन को पील कर देंगे। फिर हमें चाहिए 1.5 कप बेसन, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम पकौड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। हम दोनों पकौड़ा बनाने के लिए सेम ही बैटर यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम ऐड करेंगे 1.5 कप बेसन, फिर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी और 1/2 टेबलस्पून अजवाइन को हम पाम में लेके क्रश करके डालेंगे। और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल के हम इसे एक बार ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी हमने एक साथ डाल दिया तो बैटर बहुत ही पतला हो जाएगा और अगर बैटर पतला होगा तो आलू और ओनियन अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे। ये देखिए बैटर बन चुका है। तब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेते हैं और इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसमें स्लाइस किया हुआ पोटैटोस को ऐड करेंगे और इसे बैटर के साथ अच्छे से कोट कर लेते हैं। पोटैटो बैटर के साथ अच्छे से कोट हो चुका है, तब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होगा। इसे हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद फ्लिप करते रहेंगे। ये देखिए आलू पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसे हम एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसी तरह हम बाकी के आलू पकौड़ा को भी फ्राई कर लेते हैं। अब इसी तरह हम ओनियन पकौड़ा भी बना लेंगे। तो इसे भी हम बैटर में डिप करके इसे कोट कर लेते हैं। ओनियन जब अच्छे से कोट हो जाए तब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होगा। इसे भी हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद फ्लिप करते रहना होगा। ये देखिए ओनियन पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इन्हें भी हम एब्जॉर्बिंग पेपर या टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं।
ताकि सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए, आलू पकौड़ा और ओनियन पकौड़ा रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।